आज हम बनाने जा रहे हैं पोहे के पकोड़े, इसलिए हमने लिए हैं एक नींबू, दो कटी हुई हरी मिर्च बारीक कटी हुई, एक छोटा प्याज, एक कटोरी बेसन, तीन बड़े आलू, एक प्याला पोहा, एक चम्मच लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, थोड़े आखे धनिया लिए हैं एक चौथाई, और एक चम्मच नमक, स्वाद अनुसार लेना अपने। हमने पोहे को दो तीन बार पानी से अच्छे से धोया। अब हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। एक नींबू का रस है, जो हमने आपको सामान बताए थे वो इसमें डालेंगे, एक कटोरी बेसन, ये सारे मसाले जो आपको बताए थे, ये और ये तीन आलू। अब हम इनको सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसमें छोटे छोटे पोहे डालेंगे। इनको सुनेगा हमें तो ये हमारे पकोड़े बनके तैयार हो गए हैं। देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं एकदम। आप भी बनाइए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए।